Hello, hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube platform पर आपका हार्दिक स्वागत. तो आज मैं लेके आई हूँ next mock test. हम कर रहे हैं paper one और आपका कोई भी paper जिसमें paper one आएगा ये जो series है वो आपके लिए बहुत बहुत helpful रहेगी. चलिए शुरू करते हैं. तो आज का first question क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें हमें जो राइट ऑप्शन है वो फिल करना है. अनुभा इज यूज्ड ब्लैंक इन सच एक्सट्रीम वेदर. तो अनुभा इज यूज्ड टू वर्किंग इन सच एक्सट्रीम वेदर. ये क्या है? फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस. तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से हमें बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जो है चूज करना है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा. वर्किंग फॉर सेवरल डेज विदाउट अ ब्रेक इज रियल थिंग, रियल टायरिंग. राइट, हम जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पहले रह रहे हैं, फिर हम हिमाचल जी के करेंगे, इंडियन जी के, और सबसे लास्ट में हमारे 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे. यानी 50 क्वेश्चंस ही हमने इस वाले मॉक टेस्ट में कंसीडर करना है. थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तो इनडायरेक्ट यानी नरेशन है का ये है. तो तुषार सेड टू हिज स्टूडेंट्स आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट वीक. नरेशन में टेंस चेंज होता है आई हैव नॉट सीन. तो यहाँ पे ये दिया है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है. राइट, तो ये चेंज होना है पास्ट परफेक्ट में और नेगेटिव सेंटेंस है. तो उसी तरीके से सैड टू से हमें पता चला कि जो हमारा टेंस जो है वो चेंज होना है. तुषार सैड टू चेंज होता है टोल्ड में. तुषार टोल्ड हिज स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो तुषार यहाँ पे सब्जेक्ट है. तो आई चेंज अकॉर्डिंग टू तुषार. राइट, दैट ही हैड नॉट सीन देम सिंस द प्रीवियस वीक्स. लास्ट वीक चेंज होता है प्रीवियस वीक में. ओके, तो इसका करेक्ट जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो है तुषार टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ही हैड नॉट सीन देम सिंस द प्रीवियस वीक. फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग. सीमा सेड टू रॉनी आई एम हैप्पी दैट यू गॉट सिलेक्टेड दिस टाइम. तो रॉनी को कहा सीमा ने सेड टू, हाँ ये जो है डायलॉग को कंप्लीट करना है. अब रॉनी क्या कहेगा वो चीज. रॉनी हैड यू नॉट गाइडेड मी आई ओके इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी. राइट, हाँ ये जो ए जो है बिल्कुल करेक्ट है. फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. रमन डिड यू सी द प्ले यस्टरडे. साहिल इट वॉज स्टेज्ड वेरी ब्लैंक द कैरेक्टर अपीयर्ड क्वाइट. तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट है. इट वॉज स्टेज्ड वेरी वेल एंड द कैरेक्टर अपीयर्ड क्वाइट ग्रेसफुल. ओके, सिक्स क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. तो अ सब्स्टिट्यूट इज, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग पूछा है. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. समथिंग दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स. ठीक है, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई वाक्य की जगह एक शब्द जो है उसको सब्स्टिट्यूट कहा जा सकता है. राइट, या फिर इसे कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज किसी की जगह ले ले, रिप्लेस कर दे, उसे जो है सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं. सेवंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यू आर न्यू टू दिस कैंपस यू नीड टू ब्लैंक द नॉर्म. तो यहाँ पे होगा सी एक्वेंट योरसेल्फ विद द नॉर्म. एक्वेंट होता है उस तरीके से खुद को ढाल लेना. राइट, यू आर न्यू टू दिस कैंपस यू नीड टू एक्वेंट योरसेल्फ विद द नॉर्म्स. नॉर्म्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. एट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यू हैव ऑफर्ड टू ऑप्शन सो फार वेदर आई वॉन्ट द फॉर्मर और द ब्लैंक आई विल डिसाइड इट. तो यहाँ पे ब्लैंक है, दो है, एक जगह लेटर है और एक जगह लेटर है. लेटर होता है बाद में, है ना. तो ये जो लेटर है ये बाद में फिल होगा. यहाँ पे यू हैव ऑफर्ड टू ऑप्शंस सो फार, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होना था.
फर्स्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है ए बी डी ये करेक्ट है, सी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। चलिए टेंथ क्वेश्चन, हिट द सीलिंग मीन्स, ये जो है प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब का मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, राइट। हिट द सीलिंग मीन्स टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। अब हम 15 क्वेश्चन हिमाचल जी के डिस्कस करें। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है द ऊहल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर हियर। ऊहल जो है सतलुज की नहीं, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ओके, तो मंडी में ही मिलती है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर ब्यास होता तो वो करेक्ट हो जानी थी स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। लूनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर हेयर, हाँ लूनी जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्यास रिवर की मंडी में। द रमोली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन ऑन लेटर बैंक लेफ्ट बैंक हेयर, तो नहीं रमोली जो है यहाँ पे मंडी में नहीं मिलती। द प्रेशर लेक इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मंडी टाउन, ये बिल्कुल सही है। तो बी जो सेकंड एंड फोर्थ दो स्टेटमेंट्स हैं वो मंडी के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन चंबा एंड पांगी इन हिमाचल प्रदेश। तो ए जो है साच पास बिल्कुल करेक्ट रहेगा, चंबा और पांगी के बीच में साच पास है। दुलची दर्रा, तो दुलची दर्रा कौन से जिलों के बीच में है, मंडी और कुल्लू के बीच में है। पादरी दर्रा, पादरी जो है चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है। चुआड़ी पास जो है कांगड़ा से चंबा जाने के लिए, ये चुआड़ी पास है, चुआड़ी है ये ना, चौरी नहीं होगा, चुआड़ी पास है, ठीक है। तो बी सी डी है, तो ये ती हाँ बी मंडी और कुल्लू के बीच में है, सी और डी ये दोनों भी चंबा में है बट चंबा के दूसरी जगहों के साथ है, साच पास चंबा का पांगी के पास साथ जो है दर्रा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 13th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस द वुमेन पर 1000 मेल्स वर द लार्जेस्ट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो वुमेन की पॉपुलेशन प्रति 1000 पुरुषों पर कौन से ईयर में, दिए गए ईयर्स में सबसे ज्यादा थी, हाँ ये पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन 1981 करेक्ट रहेगा। 14th क्वेश्चन, द हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड वॉज रजिस्टर्ड, मिल्क फेड का पंजीकरण कब हुआ था, तो ये 1982 करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंट लेस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स GSDP। हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम प्रतिशत व्यय साइंटिफिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट में कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा 2020-21, हाँ बिल्कुल सही ये रहेगा, कोरोना का टाइम था है ना, तो उस वक्त जो है हमने मेडिकल साइड में ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था एज कम्पेयर टू साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 2022, तो 2022 के समाज कल्याण प्रोग्रामों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ओल्ड एज पेंशन अबव 70 ईयर ऑफ एज इज 1700 पर मंथ, राइट। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो शिशु किन्नौर में, दलंग सोलन में, आहार मंडी में और शरद लाहौल एंड स्पीति, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, गलंग सोलन में। 18th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये जो है 2020-21 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक। उसके बाद 19th, पेखू वाला या पेखू वेला, जहां पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है सेटअप किया जा रहा है, ये कौन से जिले में है, तो जिला है जी ऊना, ऊना करेक्ट रहेगा। 20th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मशहूर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे सबसे सही जो है वो है बी, इट इज अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स प्रेजेंटली।
ओके दिस टेम्पल्स वर बिल्ट बाय राजा संसारचंद, नहीं राजा संसारचंद ने नहीं बनाया था, ये कश्मीर के राजा थे उन्होंने बनवाए थे मशरूर रॉक का टेम्पल। उसके बाद दीज टेम्पल्स आर बिल्ड इन द्रविड़ा डिजाइन, नहीं ये द्रविड़ा डिजाइन में नहीं बने हुए हैं, राइट शिखर नागर स्टाइल है इनका, ठीक है नागर स्टाइल है ध्यान रखना। उसके बाद 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश विटनेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन कंटेस्टेंट विनर, तो ये रहेगा विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक महिला प्रतियोगी विजयी कब बनी थी, कौन से ईयर में, तो ये 2007 में। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इन 2022-23, 2022-23 के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे स्कीम पूछी गई है, एक स्वदेश दर्शन स्कीम, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो ये 2017 में लॉन्च हुई थी, ये करेक्ट ऑप्शन है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, तो 2023 में ये क्वेश्चन मैं बार बार डिस्कस कर रही थी कुछ एक वीडियोस में कि परवाणु को जो है सबसे स्वच्छ वायु का अवार्ड मिला है, नंबर 1 रैंक रहा है पूरे भारतवर्ष में 2023 में परवाणु हिमाचल प्रदेश में, और जिला कौन सा पड़ता है, सोलन पड़ता है। 24, द अप्रूव्ड बजट आउटले ऑफ फॉर डेयरी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 वॉज, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा, 2022-23 में डेयरी के डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि अनुमोदित की गई थी, तो दैट वाज 30.51 करोड़। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर मेंबर्स ऑफ इंडियन वुमेन कबड्डी टीम इन एशियन गेम्स इन चाइना इन 2023, तो ये सुषमा थी रितु नेगी के साथ, दो और लड़कियां थी मंडी की, ठीक है चार लड़कियां थी, ये रितु नेगी कैप्टन थी कबड्डी टीम की जो कि गोल्ड मेडल लेके आई थी एशियन गेम्स में। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो इट इज बाउंड ऑन द कास्ट ऑफ अपर म्यांमार, ये करेक्ट रहेगा, ठीक है नहीं इसके नॉर्थ में असम नहीं है, वेस्ट में मिजोरम, ये बिल्कुल सही रहेगा, अपर वेस्ट होगा यहाँ पे, इट इज बाउंड ऑन द वेस्ट बाय अपर म्यांमार के वेस्ट में है मणिपुर, पश्चिम में है मणिपुर, है ना, कास्ट नहीं होगा यहाँ पे, वेस्ट होगा, राइट। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इट्स यूनिक फेस्टिवल ऑफ थ्रिसूर पूरम, तो थ्रिसूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 28th क्वेश्चन, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट इज ओवर द स्टेट, तो जब मैं स्टेट्स के बारे में बताया था राइट तो हमें मिला था डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, द वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राइट वेस्ट बंगाल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हमारे कोलकाता कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है ज्यूरिडिक्शन है, सबसे पुराना ये हाई कोर्ट है भारतवर्ष का, ये भी ध्यान रखिएगा। 29th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ लोनाक ग्लेशियल लेक विद इट्स स्टेट, तो लोनाक जो ग्लेशियल झील है, हिमनद झील है, ये हिमनद हिम से बनी हुई झील, ये कौन से राज्य में है ये पूछा गया है, तो इट इज इन सिक्किम, सिक्किम में ये है। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एशियन पैरा गेम्स हेल्ड इन अक्टूबर 2023, तो पैरा गेम्स जो हुई थी वहां पे कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, जो एशियन गेम चाइना में हुई थी राइट वहां पे 107 मेडल भारत ने जीते थे, यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स जो होती हैं दिव्यांगों की है ना, तो दिव्यांगों के लिए पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज की जाती है, तो पैरा गेम्स में 111 मेडल टैली है ध्यान रखना, भारत को 111 पदक टोटल मिले थे राइट। 31 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे जो मिजोरम है वो पूर्ण राज्य बना था 1987 में, ये करेक्ट रहेगा ठीक है।
चलिए 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है टोटल अगर काउंट किया जाए तो, जब से नियमित जनगणना की जा रही है तो वे 15 सेंसस है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने इसी स्टेटमेंट को देख के आपको करेक्ट करके बता दिया। 32 इंडिया अकाउंट्स ऑफ 38 पीसी ऑफ वर्ल्ड सर्वेस, भारत विश्व की सतह का 38% है। इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी 2023 अकॉर्डिंग टू मूडीज। सिंपल सी चीज, मूडीज के अकॉर्डिंग जो है भारत की क्या ग्रोथ रहनी है 2022 सॉरी 23-24 के फाइनेंशियल ईयर की, यहाँ पे डायरेक्टली यही पूछा है। मूडीज के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है हिमाचल का नहीं सॉरी इंडिया का, तो वो पूछा है इट वॉज 6.7%। ओके 33, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 128वां भारत का संविधान का संशोधन हुआ है, लेटेस्ट है, अभी फरवरी में ही हुआ है, जहां पर 33% यानी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए। 128th ये अमेंडमेंट है भारत के संविधान का। 34th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट पेयर ऑफ साइंटिस्ट हु आर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 2023। तो आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो नोबल प्राइज जो पांच क्षेत्रों में दिए जाते हैं वो पांचों के पांचों आपको ध्यान होने चाहिए। क्लॉडिया गोल्डिन इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। ओके यहाँ पे मेडिसिन का पूछा है तो ड्रू विस्मैन एंड कैटलिन कैरियाको, इनका नाम है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 35, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल इन 2023, इनका नाम है कोको गॉफ, ए करेक्ट रहेगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है राइट। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज बीन इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द नेक्स्ट टू ईयर 2023-24 टर्म। तो ये जो है माल्टा को चुना गया है यूएस के यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवायरमेंट अग्रीमेंट इज क्रोनोलॉजिकली करेक्ट, ये जो है कालानुक्रमिक है ना, समय के अनुसार जो है इन्हें अरेंज करना है, एनवायरमेंटली अग्रीमेंट है, तो डी करेक्ट रहेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो कन्वेंशन या रियो समिट, क्योटो और फिर बाद में है द ग्लासगो क्लाइमेट। आपको अच्छा मैं एक ईयर बताती देती हूँ, 1987 का मॉन्ट्रियल का, रियो 1992 में हुआ है, क्योटो 1997 में हुआ है। आपको बताना है ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है ये कब हुआ है। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट इन एरिया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एशिया जो है सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। सेकेंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, ये तीनों जो है इसी सीरीज में ही है। दो ए ऑप्शन, यहाँ चारों में से एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राइट। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा एशिया की है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे है और पॉपुलेशन भी अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट टू तो रैंक आपको ध्यान होने चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर एशिया और अफ्रीका ना दे के अगर बाकी चार ऑप्शन दिए तब आपको जो है कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए अब 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम हिंदी के, ठीक है। तो गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो हैरान होना जो है वो किस तरीके की संज्ञा है, यहाँ पे भाव, सबके भाव थे सादगी को देखकर, तो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से यह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उपसर्ग होता है जो कि किसी भी शब्द के पहले लगे राइट, शब्द पूरा होना चाहिए, जिसका मीनिंग होना चाहिए उसके पहले लगे तभी जो है वो उपसर्ग कहलाता है। सादर, सामान, साग्रह,
सायास। तो सामान जो है बी करेक्ट रहेगा, सामान है ना। फिर है 43, किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई, रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो किन के हिसाब से जो है हमें क्वेश्चन का पता लग रहा है कि किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई, तो ये किन जो है डायरेक्टली हमें क्वेश्चन का मतलब दे रहा है, प्रश्न पूछा है किसी ने। कई बार किन हमें गिनती का भी मतलब देता है, ठीक है। कई बार हमें किन में जो है व्यक्तियों का भी पता लगता है, पूछते हैं ना किन किन को, है ना। तो वो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है किन का उपयोग प्रयोग करके, प्रयोग करके, ठीक है। 44, सरकार गरीबों को मुफ्त अन्न दे रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त को परसर्ग किस कारक का है। तो ये जो है हाँ संप्रदान का के को की है ना, संप्रदान के लिए। ओके, यहां पे संबंध काके की पढ़ते हैं ना हम। संप्रदान को है किसी चीज को देना, जब के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ पे मीनिंग छुप के आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं थोड़ी सी गलत बता गई यहाँ पे, संबंध काके की होता है, संप्रदान के लिए हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे संप्रदान ही कारक है। कुछ चीज जो है दी जा रही है, गिफ्टिंग हो रही है, या मान लो हम, मैं कोई भी चीज आपको जैसे लेक्चर दे रही हूँ, है ना, तो एक चीज से कोई चीज दी जाती है ना, तो वहां पे भी हम संप्रदान ही जो है कारक करते हैं यूज, है ना, परसर्ग, ये ध्यान रखना। कोई चीज दी जाती है, नसीहत देना, तो वहां पे भी जो है संप्रदान कारक होता है, ठीक है। ओके, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद का उचित विकल्प चुनिए। तो ये जो है जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, तो यहाँ पे देखना और व्यस्त होना दोनों चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं, संबंध वाचक। 46, पर निंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है, तो ये पर निंदा जो है संबंध तत्पुरुष समास का है ना। चलिए 47 क्वेश्चन, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि अगर बारिश होती ना तो फसल अच्छी होनी थी, तो डी संकेत वाचक। 48 क्वेश्चन, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुरवन की खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे शलेश अलंकार है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 49, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है, तो यहाँ पे वर्तनी पूछी गई है, स्पेलिंग जो है पूछी गई है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनुग्रहित, ह में बड़ी की मात्रा होती है, अनुग्रहित, ग्रहित भी लिखा है ना, बट ग जो है री की मात्रा में यूज होता है, गृहित, राइट। ओके, 50 और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का रहेगा, सुबह का चिराग होना, तो इसका अर्थ है मर जाना। चलिए आज की वीडियो में हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज की अच्छी लग रही होगी। चलिए, आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।